देख रहे हैं भारत की बात और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं, खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें सोमवार से शुरू होगा बजट सत्र और कोरोना से राहत के बाद सत्र का दूसरा भाग है। एक ही साथ चलेगी दोनों सदनों की कार्यवाही, दिल्ली से यह खबर। वित्त विधेयक को पास करवाना सरकार की प्राथमिकता रहेगी, तो दिल्ली से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संसद में आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण। तो सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, एक साथ चलेगी दोनों सदनों की कार्यवाही। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। संसद में आज से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण और सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है विपक्ष। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या जानकारी आ रही है, आज से दूसरा जो चरण है बजट सत्र का वो शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए आज से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है। और कांग्रेस की बात करें तो खासतौर कांग्रेस ने पहले ही रणनीति बना ली है कि ईपीएफ और ब्याज दरों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। रिसेंटली सरकार ने जो ईपीएफ है उस पर ब्याज दर कम की है, और अब तक की जिस तरह ब्याज दर कम हुई है उसके बाद पूरा विपक्ष जो है वो इसे लेके लामबंद नजर आ रहा है। क्योंकि पहले जब बजट हुआ था तो उसके बाद जो है बजट को लेके चर्चा नहीं हुई थी, और आज से अब सत्र शुरू हो गया तो विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ आज संसद सत्र में भाग लेगा। जी, और कहा जा रहा है कि इसी दूसरे चरण में जो है वो बजट भी आ सकता है कश्मीर को लेकर। अमित जी पेश करेंगी और जो पिछला बजट पास हुआ उसे लेके भी चर्चा की जाएगी। कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेके यहाँ पे सरकार को विपक्ष की रणनीति से जूझना होगा। क्योंकि बजट सत्र के दौरान भी हमने देखा कि किस तरह से लगातार संसद में हंगामा देखने को मिला। विपक्ष लगातार कह रहा है कि संसद चलाना सरकार का काम होता है। अब ऐसे में बजट के बाद किस तरह से विपक्ष और लोगों को सरकार संतुष्ट कर पाती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस दूसरे चरण के भी पूरे हंगामेदार होने के आसार नजर आते हैं। पर अमित जी, इसके अलावा दूसरा, ये जो दूसरा चरण है इसमें वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर कहा जाए कि सरकार भी फैसला ले सकती है, इसके अलावा विपक्ष जो है वो भी घेरने की कोशिश करेगा? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम महंगाई की बात करें, महंगाई का मुद्दा जो है वो लगातार विपक्ष उठा रहा है। पांच राज्यों में जब चुनाव हुए तब भी हमने देखा कि किस तरह से संसद के बाहर जो है वो तमाम चीजें देखने को मिली। अब क्योंकि पार्लियामेंट शुरू हो गई है तो जाहिर तौर पे ये सारी चीजें, बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ रही है, और बेरोजगारी को लेके अब सरकार क्या कदम उठाएगी, कैसे जो है लोगों को रोजगार देगी। क्योंकि विपक्ष का कहना है सरकार रोजगार पे ध्यान नहीं दे रही है। अगर हम यूपी की बात करें तो किस तरह से भर्ती विधान जो है वो घोषणा पत्र जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया था। तो अब बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ईपीएफ है उस पर ब्याज दर जो है वो कम हुई है, इसे लेके भी सरकार से तमाम सवाल जवाब हैं। दूसरी तरफ की आज एक बार फिर किसान जो है वो अपनी एक पंचायत कर रहे हैं, किसानों की आज बैठक होने वाली है दिल्ली में, तो किसानों की भी समस्या हल नहीं हुई है। साफ तौर पर चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तमाम लोग जो है वो अपने आप को बताते हैं कि किसानों के साथ खड़े और किसानों का अब तक जो सरकार को जो विपक्ष जो है वो घेरने की तैयारी कर रहा है। इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ अमित जी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर बजट सत्र का आज दूसरा चरण शुरू होगा। और अगली खबर दिल्ली से ही आ रही